बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फसल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की सुबह आप सबको मुबारक, और आप सबको देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पर खुश आमदीद। मैं हूँ समिया चौधरी, डेली बेस पर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपी, जिससे देख के आपका दिल खुश हो जाता है और आप लोग अच्छे अच्छे से फीडबैक देते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है आप लोगों के अच्छे से फीडबैक पढ़ के। तो आज लाए हैं हम आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, और किचन गार्डन में जो वो कितना खूबसूरत लग रहा है वो तो आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पूरा 5 किलो चिकन टिक्का बोटी, जो वो कढ़ाई में आप कैसे जो वो डिलीशियस बना सकते हैं। तो जिसके लिए आपको क्या चाहिए, चिकन चाहिए, गोल बोटी आपने करवा लेनी है लेग साइड की, और इसको अच्छे से आपने साफ़ करके रख लेना है बस। उसके बाद जो वो ये आसान टिप्स के साथ जो आपके साथ शेयर की जाएगी, तो इस मौसम में तो खाने का दिल चाहता ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे पीछे मतलब ज़्यादा गर्मी में भी खाने का मज़ा नहीं आता, और ज़्यादा सर्दी में भी। फिर हम लोग जो वो इस सीज़न में तो हर कोई जो खाने के शौकीन हो या ना हो, खाना अच्छे से खा लेते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे। तो आज की तैयारी शुरू करते हैं, जहाँ जाओ हम एकदम जो वो डिलीशियस सा चिकन टिक्का बोटी बनाना आपको सिखाएंगे, वो भी सिसलिंग के साथ एकदम जो वो रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो आप कैसे बना सकते हैं कढ़ाई में वो भी। तो मतलब ज़्यादा मिकदार अगर आप एक साथ बनाना चाहते हैं, गेट टुगेदरिंग है और आप खाना भी चाहते हैं, इंजॉय भी करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से जो आप बहुत ही आसान तरीके के साथ जो आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी पार्टी को एकदम अच्छे से। तो देख सकते हैं चिकन लिया हमने यहाँ 5 kg लेग साइड का, और लेग साइड अगर बड़े हों लाइक 20 ड्रमस्टिक्स तो उसको आप 2 बराबर के हिस्सों में काट सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने छोटी मुर्गी ली थी इसलिए ये जो वो छोटे ही हैं, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे चिकन को मैंने एक खुले से बर्तन में शामिल कर दिया, और यहाँ इसके साथ यहाँ शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपने लेना है यहाँ 2 टेबल स्पून, और मस्टर्ड ऑयल से जो बहुत ही यूनिक फ्लेवर आएगा आपके टिक्का बोटी में। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे जी सुरख मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करें या पिसी हुई शामिल करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शनल है। इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला आपने शामिल करना है, कोई भी बाहर का मसाला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ मसाला शामिल किया है, और 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किया है। इसी के साथ इसमें जाएगी हल्दी 1 खाने का चम्मच, अगर चाहें ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर 4 खाने के चम्मच, और इसी के साथ जो हम लोग यहाँ अजवाइन शामिल करेंगे, ताकि जिन लोगों को हाजमे की प्रॉब्लम है उनको भी खाने का मौका मिल जाए, उनको भी कोई मसला ना हो। अजवाइन आपने 1 चाय का चम्मच यहाँ शामिल करनी है। अच्छे से सारे मसाला जात को चिकन के साथ आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि मसाला जात का चिकन को अच्छे से लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल जो टेस्ट आने वाला है वो मसाला जात का ही होता है चिकन में। इसलिए इसे जो आपने ये मसाला लगा के रख लेना है। उसके बाद आप चलेंगे अदरक की तरफ, तो अदरक ले लीजिएगा यहाँ इतने मटेरियल के लिए आप जो वो 1.5 इंच, और अदरक की अच्छे से सफाई करके उसको जो बारीक काटें। काटने के बाद आपने इसे जो वो एक स्मूथ पेस्ट होना, क्योंकि यहाँ पेस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ व्यूअर्स क्या करते हैं जी मार्केट से पेस्ट लिया और लगा दिया, नहीं आपने वो बिल्कुल नहीं लगाना, आपने घर का बना हुआ पेस्ट लगाना है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस जो आप अदरक लें, लहसुन लें थोड़ा सा, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमें यहाँ चाहिए, और जिसे जो बहुत ही अच्छा जायका आएगा आपके कबाब में, टिक्का बोटी कबाब में। तो जिसके लिए आपने बस यहाँ अदरक लहसुन लेना है, तकरीबन 2 कलियाँ आपने लेनी है, उसको अच्छे साफ करके इसमें शामिल कर दीजिएगा, और साथ में अगर चाहते हैं कि थोड़ा खट्टा मीठा सा हो तो लेमन जूस यहाँ शामिल कर लीजिएगा 1 से 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सब्ज़ मिर्च जो यहाँ ले लीजिएगा, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च लें, उसको भी आप जो मोटा मोटा कट के इसमें शामिल करें। ये सारा पेस्ट जो है एकदम एक साथ आप बहुत ही आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको जो पेस्ट बनाने के लिए इसमें पानी वगैरह शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसमें आप दही शामिल कीजिएगा। तो आपने तकरीबन यहाँ जो 1/3 कप जो वो दही के शामिल करना है, उसके बाद
क्रशर को चलाना है, मिक्सर को चलाना है और इसको मिक्स कर लेना है। एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुकी है, बस ये लगा लीजिएगा। तो फिर क्यों आप फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते? ज़रूर किया करें, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और जो है आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो फिर कोशिश किया करें कि आप मार्केट की और स्टोर चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो जी हाँ, देख सकते हैं हमने अच्छे से ये लगा के अच्छे से मिक्स करके रखा। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे मसाला लगे हुए। अब हमने इसको अदरक लहसुन लगा दिया और साथ में इसमें जाएगी दही। दही 4 किलो को तकरीबन आप जो वो 1.5 किलो तक दही लगाएंगे। कम से कम आपने जो वो 1 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो दही यहाँ लगानी है। बस दही लगाने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि मसाला जात जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, दही भी अच्छे से लग जाए और चिकन को यूँ जो, क्योंकि इस तरह से क्या होगा तो ना तो आपकी दही जो वो ज़ाया होगी और ना आपके मसाला जात ज़ाया होंगे, सबके सब जो वो आपके यूज़ में होंगी और एकदम परफेक्ट जो वो मसाला जात के साथ आपका घर का बना हुआ खाना तैयार हो सकता है। और आप जो है वो बिल्कुल बाहर के खानों से परहेज़ कर सकते हैं, जहाँ तरह तरह के ऑयल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मसाले इस्तेमाल होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। लेकिन हम लोग फिर भी बाज़ नहीं आते, हमें बाज़ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी है ना, फैमिली में एक भी बंदा अगर बीमार है ना तो सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो आप कोशिश किया करें कि घर में बनाएं, प्यार से बनाएं, सुकून से खाएं और हमेशा खाएं, जब तक है तब तक खाएं। इसी के साथ फ्रेश फ्रेश पुदीना मैंने तोड़ लिया किचन गार्डन से, क्योंकि हमने मसाला लगा के दही को रख दिया। तो तकरीबन कम अज़ कम आपने जो है इसे 3 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए ज़रूर लगा के रखिएगा। अगर मौसम गर्म है तो आप क्या करेंगे, ओवरनाइट के लिए फ्रिज में लगा के रख दीजिएगा, लेकिन अगर मौसम ठंडा है तो बाहर भी चलेगा। तो इसी के साथ हम लोग चटनी थोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो तब तक हम लोग फ्री तो बिल्कुल नहीं बैठने वाले ना, तो काम साथ साथ होता चलेगा और साथ साथ जो आसानी हो जाती है इस तरह से। तो पुदीना मैंने लिया एक मुट्ठी एक गुच्छी भर के, और साथ में जो वो मैंने धनिया लिया है यहाँ एक गुच्छी धनिया की। इन दोनों को आपने बारीक काट लेना है, एकदम बारीक काट लें ताकि आपको जो वो इसकी क्रशिंग में आसानी रहे, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक बीटर में इसे बीट किया तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और वो चटनी जो होगी ना आपकी वो उतनी डिलीशियस नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसे हाथ के मसे ही काटें, थोड़ा बारीक काट के, और साथ में सब्ज़ मिर्च जो एक तो इसमें जो वो काट लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन वो भी सब्ज़ मिर्च के साथ और भी ज़्यादा स्पेशल कर देगा आपके कबाब को। तो चलें जी, अभी हम लोग जो करते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे जिससे इसकी क्रशिंग आसानी हो जाएगी और बहुत ही जल्द में ये क्रश हो जाएगा और टेस्टफुल भी हो जाएगा जी। तो क्रश मैंने इसको जो कुछ इस तरह से करेंगे, तो हम लोगों ने इसको क्रश कर लिया। अभी मैं इसको साइड पे करूँगी और साथ में जो दूसरे काम करती चलती हूँ, क्योंकि इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना, हमें काम और काम और बस काम करना है और जल्दी से करना है। इसी के साथ दुआ करते चलते हैं उन लोगों के लिए जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट थी हमारे, बहुत ही खास जिनका कहना था मेरे लिए रोज़ दुआ किया करेंगे, अल्लाह ताला मुझे अच्छी सी जॉब दे दें। तो आपके लिए खास दुआ है, आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सी जॉब दे दें और उनकी जॉब में बरकत हो, कम हो या ज़्यादा हो लेकिन बरकत वाला हो। आप सब ज़रूर दुआ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आमीन ज़रूर कहिए अगर दुआ के लिए नहीं भी आपके पास टाइम, लेकिन कोशिश करें कि आप दुआ मांगें ताकि दूसरों की ज़िंदगी में आपके पास आसानियाँ और हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ रहें, आमीन। क्योंकि कहते हैं जी, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें, वो मांगे तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद उस चीज़ से नवाज़ देते हैं। तो आप फिर ज़रूर दूसरों के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला आपको भी वो चीज़ दे दें जो आप चाहते हैं, और साथ में जो वो दूसरों को भी जो वो दूसरे के लिए जो दुआ मांगी जाती है ना वो बहुत जल्द कबूल होती है। तो मेरी ये ख़ास दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको इतना कामयाब करे कि आपको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना आए और आप हमेशा जो है वो खुश रहें और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रहें, आमीन। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी यहाँ अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो 3 घंटे के बाद का सीन कुछ यूँ है, अभी मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके चेक किया कि सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया, उसमें ऑयल शामिल कर दिया, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल करेंगे, तकरीबन आप जो 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके बाद ये सारा जो मटेरियल है मसाला जट के साथ चिकन और सारा कुछ, कितना डिलीशियस लग रहा है माशाल्लाह से, देख के मुँह में पानी आना शुरू हो गया अभी से। जब ये कुक हो जाएगा तो फिर क्या होगा,
फिर तो बिल्कुल सब्र नहीं होगा ना। तो बस अभी हम लोग जो इसे पकाएंगे, देखिए हल्के हल्के से ये पकना शुरू हो गया है, तो खुले बर्तन में आपने इसी तरह से इसे पकाना है, क्योंकि इससे जो है वो ये बहुत अच्छे से कुक भी होगा और इसके ऊपर ना हल्की सी लाली जो होती है ना वो भी आएगी, जिसे देखने के बाद तो आप अपना हाथ रोक नहीं पाएंगे और खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बस हल्के हल्के से चम्मच चलाएं, इसको इस पानी में दही में इन मसाला जात के साथ अच्छे से कुक करना है हमने, मीडियम आंच पे। आंच को आपने हाई नहीं करना, क्योंकि अगर आपने आंच को हाई किया फ़ौरन से मसाला जात ड्राई हो जाएंगे, चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, लेकिन चिकन जो है वो कच्चा रह सकता है, कलर भी बेशक बाहर से आ जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है इसको हमेशा मीडियम आँच पर पकाना है और हल्की आँच पर आपने इसको पकाते रहना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर आराम सुकून से आपने पकाना है। और साथ में दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें और भी ज़्यादा बरकत हो जाए और अल्लाह ताला हम सब के खानों में बरकत दे, हम सब के घरों को बात रखे, हम सब पे अपनी रहमत का साया हमेशा बनाए रखे। आमीन आमीन ज़रूर कहिएगा, ज़रूर आमीन कहा करें और ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो जी हाँ, देख सकते हैं कि अभी चिकन पकना शुरू हुआ है, अभी चिकन जो है वो पानी अपना पानी भी छोड़ेगा और उसमें भी इसे पकना होगा, तो बस थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा लेकिन बहुत ही डिलीशियस होगा और एक साथ में आपका ज़्यादा सा खाना जो है वो बहुत आसानी के साथ बन जाता है ना, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती इस तरह से। तो बस देखिए हल्के हल्के से हाथ चलाना है, आपने फ़ौरन से जो है वो चम्मच चलाना नहीं है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आराम से प्यार से चम्मच चलाना है, क्योंकि चिकन जब पकना शुरू होगा तो इसके टूटने का भी खदशा होगा, तो आपने इसको टूटने नहीं देना। जब तक चिकन तैयार होता है तब तक सैलड प्लेटर भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आज वो सिसलिंग वाला जो होता है ना वो खाने का दिल चाह रहा था और बनाने का भी दिल चाह रहा था, तो इसलिए थोड़ा जो है वो हमें सैलड कटिंग भी साथ कर लेनी होगी, साथ साथ टाइम भी मिल गया थोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, कलर आना शुरू हो गया चिकन पे, और अभी हल्के हाथ से जो है वो चम्मच चलाएंगे। बेशक कढ़ाई को आप हल्के हल्के से मूव करके जिस साइड पे आपको लगे कि कम हीट पहुँच रही है वहाँ से जो है इसे प्रॉपर हीट दे सकते हैं और इसको अच्छे से कुक कर सकते हैं। बस बच्चा पार्टी की भी पार्टी और बड़ा बड़े वालों की भी आज पार्टी होने वाली है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर लाने के लिए हमें क्या करेंगे, कोयला चूल्हे से निकालें गर्मा गर्म, इसको कटोरी में रखें, इसके अंदर रखें, थोड़ा सा घी ऑयल इसमें डालें और हल्का सा कवर करके रखें, जिससे जो वो एकदम स्मोक फ्लेवर आ जाएगा इसमें और इसे खाने का बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों को फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी और आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, स्पेशली अगर आप जो ज़्यादा लोग हैं तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत आसानी के साथ आपके लिए जो है वो बन जाएगी और एक साथ जो है वो इन्जॉय हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह से जो है वो मैंने इसे कवर किया, ये प्रॉपर जो है वो कवर वाला नहीं था बर्तन, लेकिन मुझे जो दो तीन दफ़ा ये प्रोसेस किया ताकि इसमें अच्छे से जो है स्मोक फ्लेवर आ जाए। तो देख सकते हैं कि अभी इसमें ड्राई होना शुरू हो गया मसाला जो है वो ऑलमोस्ट इसमें ड्राई हो गया, जो ऑयल और घी हमने माइनर सा इसे लगाया था ना वो भी एकदम जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता पीस की जो है वो साइड टर्न करते रहना है और इसको जो बिल्कुल आग बंद करके कोयले पर इसे पकाना है, जहाँ क्या होगा कि चिकन के ऊपर आप जैसा कलर लाना चाहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कलर आ जाएगा। तो ये स्मोक का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि दो चार दफ़ा करूँगी ताकि चिकन में अच्छे से जो है वो जायका आ जाए स्मोक का। तो अभी हम लोग इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इसमें जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता आता चलेगा और आपको फिर जो सर्विंग के ड्यूरिंग दिखाती हूँ कि कैसा कलर इसमें आया। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना अच्छा बना, ऑयल इसमें से अलहदा हो चुका है, मसाला जो है वो चिकन के साथ चिपक चुके हैं और कलर एकदम लाली लाली जो है वो पीस के ऊपर आ चुकी है। तो बस अभी आंच को हमने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ था और इसमें जो वो आग को मैंने बंद करके दोबारा इसे चूल्हे के ऊपर रखा थोड़ा ठंडा करने के बाद, ताकि जो दोबारा से जो साइड से लाली नहीं आई वो भी लाली इसके ऊपर आ जाए। हल्के हल्के से आप जो वो हम वन बाय वन पीस को साइड टर्न करेंगे और इस तरह से जो वो कुक करते चलेंगे। बस जैसे ही अच्छे से लाली आ जाए उसको चूल्हे से नीचे उतारें, एक अदद पैन लें, पैन जो है कोई भी आपके घर में जो पैन है, तवा है, कुछ भी है, तो उसे आप जो है वो चूल्हे के ऊपर रखेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे, दही में वो चटनी जो हमने क्रश करके रखी थी वो शामिल कर दी, तो आपकी दही की चटनी एकदम डिलीशियस जो है वो तैयार होगी। देखिए सैलड प्लेटर भी तैयार हो गया, डिलीशियस दही भी तैयार होगी और जो
अधिका बोटी है वो भी तैयार हो चुकी है, लेकिन अब बारी है इसमें चार चांद लगाने की। तो चार चांद लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी इस ऑयल पैन के ऊपर जो है वो पॉलिश करें, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है बंद गोभी शामिल करें। तो ये देखें, ये अभी से जो है ना दौड़ना शुरू हो जाएगी, और साथ में प्याज भी शामिल कर लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से जैसे ही आपको ये लगे कि अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बाय वन जो है आप इसके ऊपर चिकन के पीस रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है, एकदम लाल लाल, और बहुत ही डिलीशियस तैयार हो चुका है। सर्विंग बाउल में मैंने थोड़ी सी चटनी भी निकाल ली, और ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसके देखने वालों को, खाने वालों को, बनाने वालों को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आमीन ज़रूर कहिएगा। और यहाँ सैलड चंद जो वो आप पीस यहाँ साइड पर लगा लें, और बस गर्मा गर्म टिक्का बोटी वो भी एकदम अलग जायके के साथ हाजिर हो चुकी है। तो बस अभी हम लोग जो वो इन्जॉय करने वाले हैं आज की टिक्का बोटी को बहुत ही मज़े के साथ, देसी रोटी तंदूरी रोटी के साथ। तो अभी हम लोग जो इसे खाएंगे, इन्जॉय करेंगे, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे जा दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।